क्या भैया सीए फाउंडेशन की एग्जाम को लास्ट 60 डेज में या 50 डेज में क्लियर कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो। कुछ ये चीजों का जरूर से आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये वीडियो उन वो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, या तो वो सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं या थर्ड टाइम एग्जाम दे रहे हैं, उनका नेगेटिव रिजल्ट आया, तो ये वीडियो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप सेल्फ स्टडी को स्टार्ट करो तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप डिटेल प्लान ना बना सको तो कोई इश्यू नहीं है, डिटेल प्लान मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो उसे आप फॉलो कर सकते हो, आपको और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए एंड उसे अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए जो आपको मिल जाएगा मेरी ओर से। प्रॉपर प्लान के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप शुरुआत कर रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि यार भैया मैं तो यार 10-10 घंटे पढ़ता था, 12-12 घंटे पढ़ता था, बट अब मुझसे उतना नहीं हो रहा है, मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही। भैया आपका सेल्फ स्टडी का अब ये शुरुआत हो रहा है, या तो आपका नेगेटिव रिजल्ट आया तो वैसे भी आप डीमोटिवेट हो, और अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो तो अभी आपके क्लास खत्म हुए होंगे या होने वाले होंगे, तो सेल्फ स्टडी अभी आप शुरू कर रहे हो, तो दैट्स फाइन यार कि अगर आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाइए और विद इन अ वीक, विद इन अ 10 डेज आप इसे आराम से 8-10 आवर्स तक लेके जा सकते हो, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा डीमोटिवेट होते हो तो आप एक काम कर सकते हो, दिन के 2 सब्जेक्ट आप उठाइए और उस तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में कोई थियरी वाला सब्जेक्ट ले लीजिए और नून के बाद आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ले लीजिए, जिससे अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा और आपको पढ़ाई करने का भी मजा आएगा। सब्जेक्ट चेंज होगा तो इंटरेस्ट भी चेंज होगा और आपको पढ़ने का भी बहुत मजा आएगा, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ हो सके तो डिसाइड कर लीजिए कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या तो नाइट पर्सन, यानी आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है या रात को लेट तक पढ़ना पसंद है। भाई दोनों जगह पे आपको अच्छी शांति मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन अपना अच्छा होता है, तो एक टाइम आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। अगर आप लेट नाइट वाले पर्सन हो तो आपको डेफिनेटली 12-1-2 बजे तक पढ़ना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली सुबह 7 बजे 6 बजे और 5 बजे तक की पढ़ाई आपको शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि अभी आपकी शुरुआत है तो कोई इश्यू नहीं है कि अगर आप मॉर्निंग वाले हो तो 7 बजे उठ रहे हो और नाइट वाले हो तो 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट धीरे धीरे आपको ये एक ही चीज़ को पकड़ के रखना है, ठीक है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अल्सो जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है बस उसी पे मेहनत करते रहोगे तो भैया हार्ड चीज़ें कब पढ़ोगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे कि जो ट्रैक पे आ जाते हैं उसके बाद भी वो लोग यही सोचते हैं कि भैया मेरा ना अकाउंट्स फेवरेट है, तो पूरा दिन अकाउंट्स लेके बैठे रहते हैं। भाई जो तुमको नहीं आता वो भी तो पढ़ना पड़ेगा, अगर उसमें कम मार्क्स आ गए तो पूरा तुम्हारा फाउंडेशन फेल है भाई, तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यही एंड है, तुम ये बोलोगे कि मैं एंड में करूँगा, कब करोगे भाई, यही तो एंड है, अभी तो आपको करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यही एंड है। एक बार ट्रैक पे आने के लिए ठीक है, मैंने जैसे बोला वैसे आप करिए कुछ दिन के लिए, बट ट्रैक पे आने के बाद यही तो एंड है और आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से ट्राई करिए। इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी आपको सपोर्ट चाहिए आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।